नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपको अपनी कार से अगर मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी निकालनी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालना है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, स्पेशली जब आप अपनी गाड़ी को हाईवे पर चलाते हैं उसके लिए। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक में तो ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, उसी हिसाब से आप माइलेज निकाल सकते हैं। लेकिन ड्राइवर की जो हैबिट होती है गाड़ी चलाने की, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि मैं अभी हाईवे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, या फिर खुली रोड पर जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, वहाँ के लिए आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि फिफ्थ गियर में हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं या सिक्स्थ गियर में चला रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी गाड़ी की स्पीड। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड 80 के अंदर रखते हैं, 70-80 पे रखते हैं, तो वैसे भी हर गाड़ी अच्छा माइलेज निकालेगी, ये तो आपको पता ही है। साथ में आपको अपनी गाड़ी को चलाते समय लाइट फुट एक्सीलेटर पेडल का यूज करना है, जिससे बेहतर से बेहतर माइलेज आपकी गाड़ी निकाल सके, इतना तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमको अगर इंस्टेंट किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, अगर सिंगल रोड है या फिर इस तरह की रोड है जिसपे सामने और सामने से ट्रैफिक आ रहा है, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, एकदम से एक्सीलेटर पेडल को दबा के अपनी गाड़ी को, जो आगे गाड़ी चल रही है उससे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड होती है थोड़ी सी कम और हम हाई गियर में चल रहे होते हैं, और जब हम इस तरह से एक्सीलेटर पेडल को बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्यूल का लॉस होता है या फिर फ्यूल बर्न होता है, क्योंकि उस समय इंजन में फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज गिरता है। तो इस कंडीशन में आपको करना ये है कि एकदम से जब आप पंजा दबाते हैं, देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैंने एकदम से इस तरह से पंजा दबाया तो थोड़ी देर के लिए पंजा फिर से छोड़िए और फिर से लाइट फुट पे अपने पैर को ले आइए, यानी कि एक्सीलेटर पेडल को लाइट फुट से फिर से दबाना है। जैसे कि मैंने इस तरह से दबाया, ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी ने पिकअप लिया और थोड़ा सा मैंने फिर एक्सीलेटर पेडल को छोड़ के लाइट फुट पर लेके आ गया। तो इस तरह से करने से आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप कंटिन्यू अगर इस तरह से पेडल को दबा के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल का लॉस होता है। तो जब भी आपको एकदम से पिकअप लेना है तो कोशिश कीजिए कि लाइट फुट में आपको पहले से ही पेडल को दबा के रखना है। जैसे कि आपको लगता है कि सामने जो व्हीकल जा रहा है उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पीड गेन करनी है, तो पहले से ही आप थोड़ा सा पेडल को दबा दीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम से पेडल पर पैर रखना है आपको, ठीक है। और अगर आप इस तरह से नहीं करते, एकदम से आप पेडल को दबाते हैं जिससे आपकी गाड़ी एकदम पिकअप ले, तो इस कंडीशन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एकदम से पेडल दबाने के बाद फिर आपको पेडल को वापस लेके आना और लाइट फुट से पेडल को दबाना है, जिससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बढ़ेगा, फ्यूल की जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगी स्पीड के हिसाब से। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, स्पेशली जब आप हाईवे पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो बेहतर माइलेज के लिए ये टिप्स बहुत काम आते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।